छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुए एफआईआर पर बयान दिया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि महादेव ऐप मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और जांच में जो तथ्य आए हैं उसके बाद कार्रवाई हुई। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चली है। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी, जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। देखिए, ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, आप सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गया इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं उसकी ये परिणति है।